मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ गवार फली की सब्जी मूंगफली के साथ। इसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। क्लस्टर बीन्स ये लो कैलोरी और हाई फाइबर की कैटेगरी में आता है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। हम लोग लो कैलोरी हाई फाइबर सोचते साथ बीट कैरोट ब्रोकली इन्हीं के बारे में सोचते हैं, बट बीन्स भी एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यह है गवार फली 250 ग्राम है जिसे मैंने काट के धो के रख लिया है। ये मूंगफली है आधी कटोरी जिसे मैंने भून लिया है। ये खिसा हुआ नारियल है, ये ऑप्शनल है। एक प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तड़का लगाने के लिए जीरा सरसों सूखी मिर्च, उसके बाद हल्दी मिर्च पाउडर है, और ये है दो हरी मिर्च धनिया पत्ती, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, और तेल है, और ये है एक करिया पत्ती का स्ट्रिप जिसे मैं तड़का लगाने में यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं गवार फली को बर्तन में डाल के पानी डाल के इसे हाफ बॉईल करूँगी। इसमें एक कसैलापन रहता है, हाफ बॉईल करने से थोड़ा सा बॉईल करने से वो कसैलापन चला जाता है, उसके लिए बॉईल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैं इसे अराउंड 3 मिनट तक पकाऊँगी या जब तक कि ये हाफ बॉईल नहीं होता है। अब ये बॉईल हो गया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। जब तक वो ठंडा होता है मैं फली का पाउडर बना ले रही हूँ। मैंने एक बर्तन रखा है, उसमें सिर्फ मैं 2 स्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक इसे हेल्दी वेजिटेबल या हेल्दी करी बनाना है। उसके बाद मैंने जीरा डाला है और एक सूखी मिर्च डाला है। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद मैंने डाला है करिया पत्ती का स्ट्रिप्स डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक प्याज को बारीक काट के डाला है। गवार फली के कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये डाइट्री फाइबर रिच है, इसमें लो कैलोरी है, हाई फाइबर है। जो वेट लूज करना चाहता है उसके लिए तो ये टॉप लिस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि एक कटोरी गवार फली में 16 कार्ब्स रहते हैं। अभी मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डालना। मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट अबाउट 1/2 स्पून, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी और मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, ये दिखता लाल है बट ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गवार फली, वही गवार फली जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया था। गवार फली डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले और गवार फली अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको ढक के धीमी आँच पे अराउंड 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। उसके पहले मैं नमक डालूंगी। नमक मैंने बॉईल करते समय भी डाला है और अभी भी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब ये आप देख सकते हैं 4 मिनट बाद सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक गई है। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी मूँगफली का पाउडर। ये मैंने भून के रख लिया था, इसका पाउडर कर लिया। मूँगफली में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, तो उसके बाद मैंने डाला है कोकोनट पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अभी सब्जी बन के रेडी हो गई है। ये बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी रहती है और बहुत हेल्दी भी है। मैंने धनिया पत्ती डाल के गार्निश किया है। आप इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।